हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दिव्या रेसिपी सीक्रेट में। और आज मैं यूनिक तरीके से बनाने वाली हूँ वड़ा पाव। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। देखो, हमने एक बाउल लिया है और इसमें बटाटा हमने उसको हाथ से मैं क्रश करूँगी। एक मैंने पैन लिया है, इसमें डालूँगी मैं ऑयल। और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। और मैंने पेस्ट बना ली थी ग्रीन चिली, लहसुन, करी पत्ता और अदरक, उन्होंने मैंने पेस्ट बना ली है और उसमें ऐड करूँगी और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इसमें हम डालेंगे ऊपर से नमक, और नमक डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ऊपर से डालेंगे हम धनिया, और धनिया डालने के बाद हम डालेंगे ऊपर से वो जो पटाटा है जो मैंने मिक्स किए थे, वो क्रश करके मैंने इसमें ऐड किया है। तो हमको अच्छी तरह से हम उसको मिक्स करेंगे। और ऊपर से डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला और भाजी पाव का मसाला, इससे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इससे भी अच्छा ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैंने पहले आपको बाउल लिया है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी बेसन। मैंने बेसन ले लिया है, अब उसमें ऊपर से डालूँगी हल्दी पाउडर और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक। और मैंने ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब उसको हम थोड़ा सा गाढ़ा बनाएंगे, तब तक अच्छी तरह से मिक्स करते रहें। देखो, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अब मैंने जो बाउल में बटाटा जो क्रश किए थे, वो मैं छोटे छोटे हाथ में लेके उसका बॉल्स बना लूँगी। इसी तरह से सारे हमको बॉल्स बनाना है और हम अच्छी से प्लेट में रखेंगे। देखो, हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब इसको मैं एक मैंने पैन लिया है, इसमें ऑयल गरम किया है। तो अभी मैंने ये वड़े अभी बैटर में रख के डीप करके अब मैं उसको ऐड करूँगी और फ्राई करूँगी। देखो, ऐसी तरह से हमको फ्राई करना है। देखो, अभी हमारे वड़े रेडी हो चुके हैं, हमारे फ्राई भी हो चुका है। तो अब उसको हम इसी तरह से सारे पकौड़े हम वड़े इसमें प्लेट में रखेंगे। देखो, हमारे वड़े अब रेडी हो चुके हैं। तो हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे ऊपर से बटर, और जो मैंने पाव अभी कट करके रखे थे उसको हम उसमें इसमें फ्राई करेंगे। ऐसी तरह से हमारे जो पाव है सब इसमें फ्राई करेंगे ऐसी तरह से। अब वो मैंने ऊपर से पहले फिर से मैंने बटर डाला है, इसमें लहसुन की चटनी ऐड की है, तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स होने के बाद इसमें वो जो मैंने पाव थे वो इसमें हम इसी तरह से फ्राई करेंगे ताकि हमारी पूरी चटनी पाव में लग जाए अच्छी तरह से। देखो, अभी हमारे पाव रेडी हो चुके हैं। अब उसको हम डेकोरेट करेंगे और उसमें पहले डालेंगे ग्रीन चटनी जो मिर्ची और धनिया की बनाई हुई है हमने, और ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी सी मीठी चटनी, क्योंकि गुड़ इमली की चटनी हम उस पर ऐड करेंगे। अब जो मैंने वड़े रेडी किए थे उसको अच्छी तरह से हाथ में ऐसे ही दबा के थोड़ा सा और उस पर ऐड करेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हम डालेंगे थोड़ी सी सेव। सेव भी मैंने ऐड कर ली है। अब उसको अच्छी तरह से ऐड करके आप उसको हम रेडी करेंगे। अब आपके पास अनार का दाना हो वो भी आप डाल सकते हो। तो देखो, अभी हमारे वड़ा पाव रेडी हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।